आरजेसी न्यूज़ हम कराएंगे सच से रूबरू। महानगर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में छात्र द्वारा किए गए आत्महत्या मामले में आज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर छात्र के मामले में जांच कराने की मांग की है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा मांग की गई है कि छात्र नूर आलम को प्रताड़ित करने वाले अध्यापक को गिरफ्तार किया जाए, नूर आलम के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मानकों के अनुरूप नहीं है, स्कूल के मानक पूरे कराए जाएं और स्कूल में छात्रों की सुरक्षा के लिए पूर्ण व्यवस्था कराई जाए। आज हम नूर आलम को जो स्कूल में शहीद कर दिया गया है उसको लेकर हम ज्ञापन देकर आए हैं। और जैसे कि हमें पता चला है नूर आलम को मारपीट के इतना टॉर्चर किया गया, पहले उसके हाथ उसको टांग दिया गया जाल के ऊपर, जब उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो उसका हाथ छूट गया और वो गिर गया। और ये कहते हैं कि उन्होंने खुद का आत्महत्या करी, अब सब झूठ है। हम चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और नूर आलम के परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और हमें अपने मुरादाबाद प्रशासन ये शिकायत है कि हमारे डीएम साहब को अब तक उस बच्चे के घर पहुँच जाना चाहिए था और हाथ हाथ तत्काल उनकी मदद करनी चाहिए। डीएम साहब को पावर है तो चाहते तो हाथ हाथ मुआवजा मिल सकता था। उनका माँ बाप का कम तो नहीं हो सकता, लेकिन यह कुछ तो उसमें कमी आएगी। किसका जवान बच्चा गया है, उनको बच्चे क्या क्या उम्मीदें थी, अपने बच्चों को तन पेट काट के पढ़ा रहे थे, गरीब परिवार का बच्चा था। हम चाहते हैं कि उसे 25 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। स्कूल प्रशासन का कहना है कि काफ़ी समय वो बच्चा लटका रहा, उसके लिए गद्दे भी नीचे दिखाए गए। क्या नहीं लगता कि प्रशासन को गद्दे बिछाने से बेहतर किसी पुलिसकर्मी को या डिपार्टमेंट से फोन करना चाहिए? मतलब गद्दे बिछाए गए, लटका हुआ था तो ऊपर पहुँच को सिर्फ निकाल सकते थे। ये सब ड्रामेबाजी है, स्कूल प्रशासन ने ही उसको टांगा था सजा देने के लिए। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो उसके हाथ छूट गए। इतनी देर में बच्चा गिरा, पूरा स्कूल की सफाई हो गई, पोस्टमार्टम भी हो गया, सारे काम कर लिए। पूरा प्रशासन, पूरा स्कूल, सब उसके बच्चे के मर्डर में शामिल है। किसे दोषी मानते हैं? सबसे पहले हम स्कूल को दोषी मानते हैं, उन टीचरों को जिन्होंने उसको टॉर्चर किया और उसको टांगा जाल के ऊपर। किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो जो इसमें उसके मर्डर में शामिल है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो आगे ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। हम लोग वो दुख दर्द महसूस नहीं कर सकते जो माँ बाप महसूस कर रहे हैं और तड़प रहे हैं अपने बच्चे के लिए। अब वो बच्चा जवान होता, कुछ करता, माँ बाप का सहारा बनता, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उसका सहारा मेट दिया, खत्म कर दिया।